लाइक करें हमारे वीडियो को और इसी तरह वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे इसी तरह वीडियो का। Do you want to know? Well, I've been thinking about you. हाँ सर, एंट्रेंस के बारे में आज आपने एंट्रेंस दिया, कैसा था वहाँ बैठने उठने का सिस्टम? यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक मैनेजमेंट बहुत सही था, बहुत बढ़िया था, सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर, डिस्टेंस मेंटेन कराई गई और सैनिटाइज वगैरह कराया गया और इसके बाद प्रॉपर एक वे के से मतलब सारी बैठक व्यवस्था हुई, मैनेजमेंट सारा सही रहा। और एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर था, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर आया था वो मॉडरेट था, औसत था, बहुत टफ नहीं था, औसत था, वो ना ही ईजी था, तो मिला के अच्छा। और टाइम वाइम का तो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ? नहीं नहीं, दो घंटे का पर्याप्त टाइम था तो हो गया। अच्छा, और यूनिवर्सिटी कैसा लगा हमारा? यूनिवर्सिटी कैंपस तो बहुत बढ़िया कैंपस है, मैं पिछले 5 सालों से यूजी किया मैंने यहीं से और पीजी किया। अच्छा, तो आप अभी पीएचडी कर रहे हैं? पीएचडी का एंट्रेंस दिया है। अच्छा, एंट्रेंस दिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और कुछ बताना चाहें कि यूनिवर्सिटी के बारे में? कि टाइम वाइम की कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर प्रशासनिक मैनेजमेंट बहुत सही है यहाँ का, और यूनिवर्सिटी कैंपस जो है बहुत ही सुंदर कैंपस है, एकदम स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है, प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, जो है सारी बातें। तो आज आपकी बात हुई हमारे सर से, और जो कि अभी पीएचडी का एंट्रेंस दिए हैं, आप इनसे मिल सकते हैं यूनिवर्सिटी के पीएचडी से संबंधित या एमए या फिर यूजी से संबंधित। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर कोई यूजी और एमए और यूजी के लिए कोई दिक्कत आ रहा हो तो पीएचडी वाले सर से आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपको मिलेंगे यहाँ यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवरी टाइम सर, आपका नाम जान सकता हूँ? जयराम रेखवार। जयराम रखवार सर, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं? हम भी पीएचडी एंट्रेंस दे के आए हैं अभी। अच्छा, आज एंट्रेंस में कैसा लगा आपको? एंट्रेंस में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटी वालों ने व्यवस्था करवाई थी वो बहुत ही अच्छी थी और हमें पेपर देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ। दिक्कत नहीं हुई, चूँकि कोरोना महामारी चल रही है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत अच्छी व्यवस्था करवाई है इनने। जी जी जी, उनको बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं। और टाइम वाइम की तो दिक्कत नहीं हुई ना? नहीं, टाइम बराबर मिला और टाइम के पहले ही पेपर हम ख़त्म कर चुके थे। ओके, चलिए, तो पेपर अच्छे से गया होगा। हाँ, बिल्कुल, पेपर तो बहुत अच्छे से गया ना। और आप भी तो यहाँ के भूतपूर्व? हाँ, अभी हमने पीजी भी इधर से ही की है। हाँ, कोई बात नहीं, और सोच रहे हैं कि पीएचडी भी इधर से ही करें। और आने वाले स्टूडेंटों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? आने वाले स्टूडेंट को हम यही सलाह देंगे कि वो अच्छे से तैयारी करें और आए गौर की नगरी में और पढ़ें। जी जी, एजुकेशन लेवल बहुत बढ़िया है यूनिवर्सिटी का। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आके। शुक्रिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और दोस्तों हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से।